आपके नेता तेजस्वी यादव पटना में रहते हैं, आखिरी दिन सदन में नहीं जाते, अजीत कुमार सिंह जिस तरह से सवाल उठाए कि नवी अनुसूची में डाला जाना चाहिए, उस दिन जो नारा लग रहा था, स्पीकर ने सीधे तौर पर कहा कि आप लोग बाहर चले जाइए। अगर तेजस्वी यादव रहते तो ये सब चीजें नहीं होता। तेजस्वी यादव पटना में रह के सदन में क्यों नहीं आते? अब तो खाली सोशल मीडिया पर लिखने से होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने आप को समाजवादी कहते हैं, अगर समाजवादी अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है तो 65% आरक्षण को जो रद्द किया गया पटना हाई कोर्ट से, उससे पहले वो नवी अनुसूची में क्यों नहीं डाले? ये सवाल तमाम राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता और तमाम राष्ट्रीय जनता दल के नेता पूछ रहे हैं। अब आगे क्या स्टैंड लेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर बरकरार रखा है, कहा है कि 65% आरक्षण लागू नहीं होगा। अरुण जी हमारे साथ में राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता है, अब हमें जरा बताइए अगला स्टैंड आप लोग का क्या होगा? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी रद्द कर दिया। हाँ, निश्चित रूप से हाई कोर्ट का जो आदेश था उन आदेशों को सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा है। और आपने जो कहा सबसे पहले इंट्रो में कि नीतीश कुमार जी अपने आप को समाजवादी कहते हैं, आरक्षण समर्थक कहते हैं, तो उनका दोहरी नीति तो स्पष्ट अब पब्लिक डोमेन में सामने आ चुकी है। कैसे अपने आप को समाजवादी कहते हैं, आरक्षण समर्थक कहते हैं, इससे साफ स्पष्ट हो गया कि वो आरक्षण विरोधी हैं। भाजपा की तरह भारतीय जनता पार्टी तो जग जा ही रहे, आरक्षण का विरोध, संविधान का विरोध उनके डीएनए में। अब तो ये स्पष्ट हो गया कि आरक्षण का विरोध, दलित पिछड़ा अति पिछड़ा का उत्थान नहीं चाहते नीतीश कुमार जी, उनका विरोध भी नीतीश कुमार जी के डीएनए में। आगे क्या कीजिएगा ये बताइए। और आप भी जानते हैं, बिहार की जनता भी जानती है कि हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के दबाव में 17 महीने की जो महागठबंधन की सरकार थी, उस सरकार में जाति आधारित गणना कराने का काम किया गया था। और जाति आधारित गणना उपरांत आरक्षण का दायरा बढ़ा के 65% किया गया था। और सर्वसम्मति से केंद्र सरकार से आग्रह किया गया था कि भाई आप संविधान के 9वीं अनुसूची में डाल दीजिए ताकि भविष्य में किसी तरह का कानून अड़चने नहीं लगे। हाँ, दिक्कत नहीं हो, जो दिक्कत सामने आया तो ये तो अब स्पष्ट हो गया। एक सोची समझी साजिश के तहत जिस षड्यंत्र में नीतीश जी भी अब शामिल अब दिख रहे हैं स्पष्ट, अब तो वो केंद्र सरकार में है और बिहार में भी डबल इंजन की सरकार है और नरेंद्र मोदी जी की सरकार एनडीए सरकार कह सकते हैं, नीतीश कुमार जी के बलबूते चल रही है, उसके बावजूद भी नहीं। और लगातार आप देख रहे हैं बिहार के साथ किस तरीके से भेदभाव किया जा रहा है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, विशेष राज्य पे बाद में जाएगा। और स्टैंड क्या लीजिएगा, आरक्षण पर उनके मुंह में दही जमा हुआ है, स्टैंड क्या स्टैंड होगा? लगातार हम लोग लड़ रहे हैं इस सवाल पर, सड़क से लेकर सदन तक। सदन में गजब बात करते हैं आपके, हम सुन लीजिए अब हमारा भी बात। आपके नेता तेजस्वी यादव पटना में रहते हैं, आखिरी दिन सदन में नहीं जाते, अजीत कुमार सिंह जिस तरह से सवाल उठाए कि नवी अनुसूची में डाला जाना चाहिए, उस दिन जो नारा लग रहा था, स्पीकर ने सीधे तौर पर कहा कि आप लोग बाहर चले जाइए। अगर तेजस्वी यादव रहते तो ये सब चीजें नहीं होता। तेजस्वी यादव पटना में रह के सदन में क्यों नहीं आते? अब तो खाली सोशल मीडिया पर लिखने से होगा। जैसे आपका ये सवाल है आप जानते हैं, बताइए ना, सबसे अधिक बिहार की राजनीति को अगर देखेंगे या ओवरऑल देश की भी बात कर सकते हैं, पब्लिक के बीच रहने वाले सबसे ज्यादा नेताओं के शुमार में हमारे नेता तेजस्वी यादव जी। सोशल मीडिया आप सुनिए ना, जन विश्वास यात्रा का नाम सुने थे 6 महीना पहले, कितना हजार किलोमीटर उन्होंने यात्रा करने का काम किया, रिकॉर्ड तोड़ने का काम, हजार किलोमीटर। और उसके बाद आपने देखा लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा जनसभा करने का काम किया। और यहाँ सीट कितना है? आप सुनिए तो, मैं बता रहा हूँ, दिन भर फील्डिंग करते रहे मैच में, 4 को विकेट ना गिरा, तो सुनिए ना भैया, आपको मैं बता रहा हूँ। और आपने देखा उनके कमर में प्रॉब्लम था, उस स्थिति में भी वो लोकसभा चुनाव में पब्लिक के बीच पब्लिक मीटिंग करने का काम किया, ठीक है। और फिर उन्होंने कहा है हम पब्लिक के बीच जाएंगे,
तो दिखाने के लिए बाहर गए सदन में क्यों नहीं आए? सदन तबीयत खराब है, आपको जानकारी नहीं है क्या? जब तबीयत खराब था तो लोकसभा के आप घूम रहे थे, और जब फिर वही मौका था आपको बोलने का, क्यों नहीं? तबीयत उनका आप जानिए, अब आफी का तबीयत खराब अभी ठीक है तब ना माइक लेके यहाँ लंबा चौड़ा सवाल कर रहे हैं। जब तबीयते नहीं रहेगा, वायरल फीवर धर लेगा तो बेडे पे ना ऐसे करिएगा। इसलिए हाँ मानिए नेता जी, हमारे जब स्वस्थ हो जाएंगे तो आप देखेंगे, और एक पल भी आप जन सरोकार के सवाल पर चुप रहने वाले व्यक्ति हैं क्या? उनके आक्रामकता को देश ने देखा है, देश ने सराहा भी है, तो इसलिए ये लोग आप सुनिए तो ये लोग जो लोग सवाल करते हैं उनको जनता से मतलब है क्या? भारतीय जनता पार्टी और जदयू के नेताओं को कहीं कहीं कोई मतलब नहीं? अभी तो वो कह ही रहे हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं कि 240 सीट हम लोग लेके आ रहे हैं। तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं, आपके पार्टी से रामचंद्र जो MLC थे पूर्व, उन्होंने कहा, रामबली चंद्रवंशी ने, वो जा करके जन स्वराज ज्वाइन कर रहे हैं। ये सब व्यक्ति उनका है, उस पर कहीं कोई कमेंट नहीं, ऐसे होते रहता है। 240 सीट वो लोग जीतने का दावा कर रहे हैं, आप लोग कितने? अरे भाई बहुत बड़े बड़े नाक परे हैं, ढोरवा मांगे पूजा, एक कहावत है गाँव में, नीतीश बड़े बड़े नाग पड़े हैं, ढोरवा मांगे पूजा। अच्छा। वही बात हो रही है, नीतीश कुमार की वजूद है 50 सीट जीतने की? 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार अपने आप को सबसे बड़े विकास पुरुष क्या क्या कहते हैं, 50 सीट जीत पाए? आप लोग कहाँ रख लेते 40? आप लोग रख कह लिए 2020 में? मैं एग्जाम्पल दिया, बिहार है, बिहार की जनता उड़ती भी चिड़े को हल्दी लगाने का काम करती है, इसलिए इधर उधर की बात ना करें। राजद हो या भाजपा हो, सब कोई नीतीश कुमार के बिना अधूरा है, ये बात तो तय है ना? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ये आपका मानना होगा, जनता ने मन बना लिया है। इस बार अकेले आप फाड़ दीजिएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, जनता अरुण जी है, साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि 2025 के विधानसभा में अकेले भी ये लोग चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से जीतेंगे। साथ ही साथ 65% आरक्षण पे हमने इनसे सवाल किया कि सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है, आरक्षण को रद्द कर दिया है, बिहार सरकार ने जो बढ़ाया था आरक्षण की सीमा को उसको रद्द कर दिया है, तो इन्होंने साफ तौर पर जवाब दिया कि नीतीश कुमार समाजवादी नहीं है, नीतीश कुमार आरक्षण विरोधी है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।